जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी इतने अखंड कीर्तनी जत्थे का अमृतसर के विसाखी समागम का जिहड़ा सालाना समागम होंदा है उत्थे असी इको सिख के नाल रल के ऑरगैनिक लंगर का आयोजन किया। इतने हर साल विसाखी का समागम मनाया जाता है जिते दूरों दूरों संगत दर्शन करन लई आउंदियां ने ते पूरा ग्लोबल लैवल से इतने सारी संगत पहुँच के इतने कीर्तन का समागम होंदा है वख-वख गुरुद्वारियां दे विच ते उहदा लंगर का जिहड़ा प्रबंध है खंड कीते जाता अमृतसर ने वो इस बारी ऑरगैनिक लंगर इको सिख के नाल रल के किया है। तो सानू पता इस बारी ऑरगैनिक सानू फार्म्स वास्ते ऑरगैनिक पदार्थों का सानू यूज करना चाहिए लंगर के विच। ईवन हुण असीं देखिया कि प्लास्टिक बैन होया ते थर्मोकोल की वरतों होंदी वो सब असीं इस बारी बंद करके पत्तलां दी यूज या स्टील के भांडे यूज़ करके असीं सारा लंगर का प्रबंध किया। तो इस वेले देख ही रहे साडे किन्ने शरीरिक कष्ट रोग जिहड़े हो रहे ने कैंसर इन्ना वधिया होया यह सब सारा जिहड़ा साडा खाण पीण खुराक है यह प्रदूषित होण करके ही यह सारा प्रॉब्लम्स हो रही ने। तो यह इको यही हल है कि सानू जिवें खालसा कहा जाता है कि खालस होना विच इज़ प्योर कोई मैसेज अगे लैके असी अपना खुराक हवा पानी इन असी प्योर यूज़ करन दे उपराले दे नाल यह शुरू किया है कार्य। तो वधावा असी बाकी भी जिहड़ा जत्थे दे समागम ते होर लोकल कीर्तन समागम जिहड़े हर असी कम्युनिटी च करते हाँ असी इत्थे होर किसानां नाल रल के उन ऑरगैनिक का लंगर का प्रबंध करांगे ते इहदे नाल ऑरगैनिक फार्मिंग नूं बढ़ावा भी मिलेगा जिहड़ा कि होर जिहड़ा कॉस्ट डिफरेंस है उन्हूं भी रिड्यूस करेगा ते अच्छा एक साइन जाएगा टू द कम्युनिटी कि असी किन्ना क इनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।